रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आई हूँ लेके चिकन चीफ पॉकेट बर्गर की रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस। इसकी ब्रेस्ट के पीस को हाफ काट के इसकी हम पॉकेट्स बनाएंगे नाइफ के साथ, इनकी अंदर से सेपरेशन करके। ठीक है, नहीं आ रही कि कैमरा कैसे मैं अपना होल्ड करूँ, ट्राई करती हूँ, लेट्स सी कि मैं अच्छे से बना पाऊँगी कि नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस साइड से हमें इसको काटना है बारीक बारीक सा, ठीक है, स्लोली स्लोली, जस्ट मेकिंग फॉर अ पॉकेट जिसके अंदर हमने फिलिंग करना है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नैनी के मुकम्मल प्रोसेस तो नहीं शेयर कर सकी, लेकिन इस तरह का आपने डीप सा पॉकेट बनाना है। ठीक है, जो साइडों से बिल्कुल ही मतलब कटा हुआ ना हो, इसके साथ जुड़ा हो, लेकिन एक सेपरेशन हो गया हो इस पीस के अंदर। ठीक है, टू पार्ट्स में, जो लाइक अ पॉकेट, यू कैन सी के कितना अच्छा सा पॉकेट बना, ये अंदर तक इस कॉर्नर तक डीप सा पॉकेट बना है। ठीक है, अब मैरिनेशन कर लेते हैं इसका। अच्छा जी, इसके लिए जिंजर गार्लिक, मैं ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, और चूँकि आई एम अ जिंजर गार्लिक लवर, सो मैं इसमें एक ह्यूज अमाउंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे चंकी पसंद है तो मैंने ग्रेट किया है। आप लोग चाहें तो पेस्ट बना के इसका लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर, इट्स राउंड अबाउट 1 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, इट्स मतलब 1/2 टीस्पून होगा ये। ठीक है, सॉल्ट जाएगा 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैरिनेट करना है हमने थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। सो 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसमें जाएगा विनेगर 2 or 3 tablespoons। ठीक है, और हॉट सॉस, इट्स 1 tablespoon। ठीक है, सोया सॉस भी जाएगा आपका 1.5 tablespoon, एंड रेड चिली फ्लेक्स 1/2 tablespoon। ठीक है, बिकॉज वी आर स्पाइस लवर, सो वी कांट स्किप रेड पेपर और रेड चिली फ्लेक्स वगैरह, सो दैट्स ऑल। नाउ मिक्स देम ऑल वेरी वेल, अच्छे से इसको मिक्स कर दें ताकि जो पॉकेट बनी है उसके अंदर तक फ्लेवर जो है वो इसके जाए। इसको मैरिनेट करके मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट जी, मैरिनेशन हो गया है, इसका फ्लेवर अंदर तक इसके रच बस गया है। तो अब हम अपनी पॉकेट की फिलिंग करते हैं, जो कि मैं कर रही हूँ चीज़ से। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैं चेडर या मोज़रेला या कोई भी आपका जो फेवरेट चीज़ है आप उससे फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके मैंने वही प्रॉब्लम कि एक हाथ से कैमरा होल्ड किया है, एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको मतलब क्लियरली आप लोगों को कैप्चर करके मैं शेयर कर सकूँ, लेकिन कोशिश जारी रखूँगी मैं। मेरे पीछे आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर में, मेरे चाचू और उनकी फैमिली विज़िट किया है मेरे घर। तो जब से सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, चाचू के बच्चे और मेरे बच्चे मिलके घर में, उन्होंने उधम मचाया हुआ है, मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं काम करना, कि मैं भी मैं हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगी, अपनी वीडियो बना के छोड़ूंगी। अब हम अपनी इस चिकन पॉकेट को कोटिंग कर रहे हैं ऑल पर्पज़ फ्लोर के अंदर, और अच्छे से ड्राई कोटिंग कर रहे हैं इसकी। और दूसरी साइड पे मैंने इसका डिप करने के लिए, सॉरी, एग वॉश तैयार किया हुआ है। इसके अंदर मैं इसको अच्छे से तमाम ऑल साइड से अच्छे से इसको डिप करूँगी। एक कोट करेंगे हम जो ड्राई है कोटिंग का, एक हम करेंगे एग वॉश के अंदर कोटिंग, और फिर हम वापस ड्राई में इसको कोट करेंगे। ठीक है, ताकि वो जो हमारी पॉकेट के अंदर फिलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, वो फ्राई करने के दौरान मतलब वो बाहर ना आए। ठीक है, अच्छे से कोट करके एक तरफ पैन में हम लोगों ने ऑयल गर्म किया हुआ है, इसमें हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अपनी पॉकेट की कटिंग करें। जब इसकी कटिंग करते हैं ना, और वो जो अंदर से चीज़ का एक लावा आता है
वो बड़ा यमी लगता है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, कितना मज़े का है, मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, अब इसकी कटिंग हो गई है, अब हम बनाते हैं अपना बर्गर। ठीक है, ब्रेड को मैंने 3 स्लाइस में काटा, जो बर्गर बन के जो बन होते हैं मैंने उनको 3 हिस्सों में काटा है, ताकि इनके ऊपर सॉसेस को अच्छे से लगा के असेंबलिंग करूँ और बर्गर ज़्यादा यमी बने। लेकिन इस ब्रेड की शक्ल और सूरत ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। मैंने एनीवे हम ग्रिल पैन में थोड़ा सा उसको ग्रीस करके ऑयल से हम अपनी ब्रेड को है अच्छे से ग्रिल कर लेते हैं, सेक लेते हैं, ताकि ये थोड़ी क्रंची सी हो जाए और फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे। एक्चुअली ये ग्रॉसरी जब आप खुद नहीं ना करते तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं। मुझे ब्रेड को देख के, ये बासी ब्रेड ला दी है मुझे किसी ने, और मुझे इसको देख देख के ना गुस्सा आ रहा है और सारा मज़ा किरकरा हो गया है, किरकरा जो भी होता है। तो मैं अब यूँ समझ लें कि बस अपनी वीडियो को पूरा करने के लिए बना रही हूँ बर्गर, वरना मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा। और कुछ पीछे से बच्चों ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, बार बार अपना बर्गर लेने आ रहे हैं मेरे पास, और ब्रेड ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। एनीवे जी, हिम्मत तो नहीं हारूंगी, वीडियो तो कंप्लीट करके छोड़ूंगी। मैं अपनी पॉकेट्स को रखूंगी एक ब्रेड के ऊपर, आप अपना बच्चे, चूँकि जो बच्चे इस टाइम जिनके लिए मैं ये बर्गर तैयार कर रही हूँ तो उनको स्पाइस नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपल टमाटो केचप मायोनीज लिया और उसमें थोड़ा सा सैलड लिया है। आप ले ले लेटस ले ले, लेकिन मैं सलाद के पत्ते नहीं मिले तो मैं यहाँ पे बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रही हूँ जहाँ यहाँ मैं कुछ भी लेने बैठती हूँ ना अपनी रेसिपी कोई भी बनाने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं मिलता। भाभी ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, अभी मैंने लेटस लेने भेजा वो भी नहीं मिला, स्प्रिंग अनियन भी नहीं मिले, और पता नहीं क्या एक दो चीज़ें और भी, वो भी नहीं मिली। तो मैं अब इन जो गाढ़ू इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ कर रही हूँ और इसलिए थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो कम्प्लीट करूँगी। आप इसको इन्जॉय करें जो भी बन रहा है, बस ये मतलब आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ आपको कुछ भी आपकी मर्ज़ी का नहीं मिलता, तो आपको किस तरह सर्वाइव करना है, अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना है, आपने फिर भी इन्जॉय करना है। तो जैसे मैं इन्जॉय कर रही हूँ, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मैं क्या उसे कहते हैं डिसअपॉइंट हूँ, कुछ भी सामान मेरी मर्ज़ी का नहीं मिला और ब्रेड भी इतनी बकवास मिली है जो टूट फूट रही है, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा बर्गर रेडी किया है, चिकन चीज़ पॉकेट बर्गर। तो आप इसको इन्जॉय करें, आप इसको ट्राई करिएगा एक बार अगर दिल माना तो, नहीं तो वेट करें कि कब मैं अच्छी चीज़ों के साथ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ, अपनी मर्ज़ी के सॉसेजेस, हाँ जी हाँ जी, सॉसेस के साथ आप लोगों के साथ अच्छी वाली इसकी परफेक्ट वाली जो रेसिपी है वो शेयर करूं। टिल देन इसी को एंजॉय करें, लाइक करें और इस पर अच्छे अच्छे रिव्यू दें, और मुझे आयशा शिराज को अनटिल नेक्स्ट वीडियो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।